हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास टेंथ साइंस का सिक्स चैप्टर देखेंगे, विद्युत धारा एवं परिपथ क्या होता है। हम विद्युत की कई अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि विद्युत दो स्वरूपों में पाया जाते हैं, एक तो स्थिर और एक तो धारा। विद्युत का वह स्वरूप है जिसमें विद्युत के आवेश अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, परंतु धारा विद्युत में विद्युत आवेश गतिशील होता है जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। स्थिर विद्युत के बारे में हम क्लास 9th में पढ़े, इस पाठ में हम धारा विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये क्या दिया, विद्युत धारा कैसे कैसे होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 चित्र दिखाए गए हैं, चित्र अ, चित्र ब और चित्र स। इसमें क्या क्या लगा हुआ, एक बल्ब लगा हुआ, एक बैटरी लगा हुआ और एक कील लगा हुआ है। तो क्या इसमें धारा प्रभावित होगी? तो इसमें क्या होगी, धारा प्रभावित होगी। क्यों प्रभावित होगी? जो कील है वो विद्युत का सुचालक है और ये जो बैटरी है, बैटरी से ही एक परिपथ इसमें जुड़ा हुआ, एक दूसरा इसमें, फिर तीसरा इसमें। तो कुल मिला के बैटरी से ही इसमें करंट जा रहा है, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रभावित होगी। अब क्या है, यहाँ पे पेंसिल लगा हुआ, जो पेंसिल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। इस परिपथ में क्या होगा, विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी क्योंकि पेंसिल से विद्युत जा ही नहीं सकती, ना तो इसमें से इसमें, ना तो इसमें से इसमें जा सकती है। इसीलिए केवल इस परिपथ में बल्ब जलेगा, इसमें नहीं चलेगा। और ये क्या है, ये दोनों परिपथ को अलग कर दिया गया, तो इसमें से भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। इस प्रकार आप सिक्का, कांच की छड़, कागज, रबर आदि का उपयोग कर यह प्रक्रिया को दोहराएं। फिर हम आगे देखते हैं कि जब परिपथ संयोजी तारों से जुड़े होते हैं, जुड़कर पूर्ण हो अथवा उसमें चालक तारों के साथ ही कोई अन्य चालक वस्तु भी उपस्थित हो, तब भी बल्ब जलेगा। अर्थात ऐसी स्थिति परिपथ में विद्युत आवेशों का प्रवाह बिना किसी रुकावट के होता रहेगा, परंतु किसी विद्युत रोधी पदार्थ की उपस्थिति में अथवा तार के टूट जाने के कारण विद्युत का प्रभाव नहीं होगा। विद्युत रोधी मतलब जो जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, और बल्ब भी नहीं, और बल्ब नहीं चलेगा। ऊपर दिए गए उपयोग में आपके द्वारा ली गई वस्तु को चालक और उष्मरोधी की श्रेणी में बांटें। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है, जबकि विद्युत रोधी अर्थात कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते। ध्यान रहे कि दरअसल प्रवाह विद्युत धारा का नहीं बल्कि विद्युत आवेशों का होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता, उसकी जो आवेश होते हैं उसका प्रभाव होता है, जिस कारण विद्युत का धारा उत्पन्न होता। परंतु सरलता के लिए हम विद्युत धारा का प्रवाह भी कहते हैं। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार जल के बहाव के कारण जल धारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर जल की मात्रा आवेशों की मात्रा के अनुरूप होती है। हम विद्युत की कुछ अवधारणाओं को समझने के लिए इसी समरूपी परिस्थितियों का उपयोग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस प्रकार पानी या किसी पदार्थ के कण, उसी तरह बिजली के कण नहीं होते, क्योंकि बिजली विद्युत का कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए जिस प्रकार पानी के कटे हुए पाइप से पानी प्रवाह बाधित होती है, उसी प्रकार कटे हुए तार से विद्युत का प्रवाह नहीं दिखता, बल्कि क्या होता है, रुक जाता है। अगर हम दो तार को काट देंगे तो क्या होगा, विद्युत का प्रभाव नहीं होगा, वो रुक जाएगा। विद्युत धारा के कुल आवेश है जो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से इकाई समय से गुजरता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यदि क्यू कूलाम आवेश किसी चालक से टी सेकेंड के में प्रभावित होती है, उस चालक में प्रभावित होने वाले विद्युत का मान क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और एस आई मात्रक एम्पियर को इसे प्रदर्शित।
जो अदिश राशि होती है वो एक ही दिशा में जाती है और सदिश राशि होती है जो दोनों दिशाओं में आती है। समीकरण एक से हम कह सकते हैं कि हम एक चालक के अनुप्रस्थ काट में एक सेकेंड एक कूलाम आवेश प्रवाहित होती है, तब उस चालक में से प्रभावित विद्युत धारा की मात्रा एक एम्पियर कहलाती है। एक एम्पियर अपॉन एक कूलाम बटा एक सेकेंड, एक एम्पियर इज इक्वल टू 10³ एंगस्ट्रॉन और एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁶ एंगस्ट्रॉन। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन एमीटर की मदद से किया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण जो विद्युत की मात्रा को दर्शाता है। क्या करता है एमीटर, क्या है विद्युत की मात्रा को दर्शाता है। एमीटर के धनात्मक सिरे को सेल के धनात्मक सिरे से और ऋणात्मक सिरे को ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं। इस स्थिति में धारा का प्रवाह एमीटर के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। एमीटर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए एमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम, ताकि उसमें से अधिकतम धारा प्रभावित हो सके। ये प्रतिरोध हो गया, ये बैटरी हो गया, ये एमीटर होगा। एमीटर से पता चलता है कि कितनी विद्युत धारा, विद्युत की मात्रा कितनी है। अब हम देखते हैं कि विद्युत परिपथ के घटक। किसी विद्युत परिपथ में संयोजित तारे विद्युत बल्ब स्विच एमीटर वोल्ट मीटर इत्यादि विद्युत घटक हो सकते हैं। फिर हम किसी विद्युत परिपथ को सरलता से विद्युत आरेख द्वारा दर्शा सकते हैं, जिसमें सभी घटक को निम्न चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन सभी घटकों को इकट्ठा करके इनके अलावा अन्य घटकों को भी श्रेणीबद्ध करने का प्रयास करें। जैसे ये क्या दिया हुआ है, सेल जो बैटरी यूज़ करते हैं, इसका ये ऐसा चित्र है। यहाँ पे प्लस होता है और एक जगह माइनस होता है, ठीक है। ये बैटरी, ये एक प्रकार का बैटरी और ये एक दूसरे प्रकार का, इसमें भी सेम परिपथ होता है। ये माइनस और प्लस संयोजी तार जो हम यूज़ करते हैं, एक सीधी परिपथ होती है। इसको अब प्रतिरोध क्या होता है, इस टाइप का जो होते हैं वो प्रतिरोध होते हैं, ये इस टाइप के क्रम में होते हैं। फिर उसके बाद संधि तार मतलब एक ऐसी तार, उसमें अलग से एक तार जोड़ दी जाए तो उसको संधि तार, ये इस टाइप से प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करें, एक बार इस पर इस टाइप से और एक इस टाइप से। फिर उसके बाद विद्युत बल्ब को किसे प्रदर्शित करते हैं, एमीटर से, ये इसका सैम्बल है। स्विच को इस टाइप से और वोल्ट मीटर को यहाँ पे वोल्ट, यहाँ पे एमीटर को इस टाइप से। स्विच बंद रहेगा तो इस टाइप से और फ्यूज ये इस टाइप से इसको दर्शाते हैं। आगे देखते हैं हम विद्युत विभव या एवं विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभव पानी का बहाव सदैव ही उच्च तल वाले बर्तन से नीचे तल वाले बर्तन की ओर होता रहता है। तब तक ऐसा होते रहता है जब तक दोनों पानी का तल समान ना हो जाए। सामान्य पानी का यह प्रभाव दाबांतर के कारण होता है और यह प्रभाव तब तक जारी रहता है जब तक दोनों बर्तनों का पानी समान ना हो जाए। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पानी का प्रभाव स्वतः ही होता रहता है। विद्युत परिपथ में विद्युत आवेशों के प्रभाव के लिए विभवांतर होना आवश्यक है। किसका होना, विद्युत परिपथ में विद्युत आवेशों के प्रभाव के लिए विभवांतर होना आवश्यक है। परिपथ में विभवांतर के कारण ही आवेश का प्रभाव अधिक विभव से कम विभव की ओर जाता है। कोई भी चीज़ हो वो अधिक से कम की ओर जाएगा। आवेश की इस प्रभाव को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत विभवांतर को निरंतर बनाए रखने के लिए एक वोल्टेज का उपयोग करते हैं। बैटरी और सेल इस प्रकार के वोल्टेज स्रोत हैं। फिर देखते हैं हम विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब कहाँ पे वो आकर्षित हो जाते हैं, दोनों चुंबक जो रहते हैं
और इतने दूर से यहाँ पे प्रतिकर्षित हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। यदि कोई धन आवेश क्यू किसी बिंदु पर रखें तो इसके चारों ओर एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी। मतलब एक यहाँ से कोई धन आवेश इधर और इसके चारों ओर क्या विद्युत धारा उत्पन्न होने लगेगी। इन आवेशों के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र अधिक और दूरी पढ़ने पर यह कम होते जाते। किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को रखने पर वह जितनी बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, इसे दर्शाते हैं इसका मात्रक न्यूटन प्रति की कूलाम। यह क्यू धनावेश रखने पर बल एफ होता है, तो बल बराबर एफ अपॉन की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अपॉन ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पी पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक ले जाने पड़ता है। जैसे विभव बराबर क्या हो जाएगा, कार्य अपॉन आवेश। इसका SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम या वोल्ट होगा। इसी प्रकार दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव तर कार्य की वह मात्रा जो धनात्मक आवेश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का मापक एक उपकरण वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। वोल्ट मीटर के धनात्मक सिरे को हम अमीटर की ही तरह सेल के धनात्मक सिरे को से और ऋणात्मक सिरे को ऋणात्मक सिरे के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। बैटरी अथवा सेल के धनात्मक सिरे का विभव ऋणात्मक सिरे के विभव की तुलना में अधिक होता है। मतलब धनात्मक का जो सिरे का विभव है वो अधिक होता है। हम जब भी हम किसी विद्युत परिपथ में धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर जाते हैं तब विभव का मान कम होने लगता है, जिसे विद्युत पतन कहते हैं। ऋणात्मक धनात्मक से अगर ऋणात्मक की ओर जाएंगे तो विद्युत विभव कम होने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम किसने लिखा, जॉर्ज साइडस ओम ने ओम का नियम दिया। किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर विद्युत प्रतिरोध और प्रभावित विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करता है। विद्युत परिपथ में विभवांतर विद्युत परिपथ प्रतिरोध और प्रभावित विद्युत धारा, इन संबंध को समझने के लिए हम नीचे एक क्रियाकलाप करते हैं। ये क्या है, ये ओम का नियम है ना। यहाँ पे वोल्ट, यहाँ पे एमीटर, यहाँ पे केल्विन, यहाँ पे वोल्ट है, फिर ये इस परिपथ में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। ओम का नियम के अनुसार वी प्रोपोर्शनल टू आई को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले पार्ट में देखेंगे पूरा।